It's a very great movie. It's really nice. I love the music. Hello guys, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक और आप देख रहे हैं BBN Media Network. दोस्तों लाल सिंह चड्ढा का इंडिया का कलेक्शंस आप सभी को पता ही होगा. और आजकल अगर ट्विटर खोल के देख लो तो इस फिल्म को लेकर इतना हेट फैलाया जा रहा है इंडिया में, पूछो मत. लेकिन इंडिया से बाहर इस फिल्म की कलेक्शंस बहुत शानदार रही. आप इतना ही समझ लो कि इंडिया में जितनी कलेक्शंस रही इस फिल्म की, उससे ज़्यादा तो ओवरसीज की कलेक्शंस आ गई है, जो कि बहुत कम स्क्रीन पर रिलीज हुई ओवरसीज में. अभी चाइना में रिलीज ही नहीं हुई है और थाईलैंड में अभी ओकपेंसी रिपोर्ट्स जो है आसमान छू रही है. और दोस्तों एक मैं आपको अभी रिपोर्ट्स दिखाने जा रहा हूँ जिसका उम्मीद भी नहीं था. जी हाँ दोस्तों, ताइवान से इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी डील फाइनल हो गई है, जो कि हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं. वो भी रिकॉर्ड स्तर की डील है. दोस्तों बताने से पहले मैं कुछ बता दूं कि हमारा एक चैनल है 4K Life YouTube चैनल, उसे भी जाके सपोर्ट करें. डिस्क्रिप्शन में आपको हमने लिंक दे दिया है क्योंकि हम वहाँ पर ब्लॉगिंग करते हैं. आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है. दोस्तों बता दें कि सिर्फ ताइवान से, ठीक है, सिर्फ ताइवान की बात कर रहा हूँ क्योंकि 8 तारीख को जो है चाइना में रिलीज हो रही है, ताइवान में रिलीज हो रही है, हांगकॉन्ग में रिलीज हो रही है. सिर्फ ताइवान में जो है इस फिल्म का जो राइट्स है वो एक्वायर किया गया है 1 मिलियन US डॉलर में, ठीक है. ये बनता है 8 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है. बता दें कि हम चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, चाइना और ताइवान अलग अलग हैं, ठीक है. चाइना की आबादी बहुत बड़ी है और ताइवान की आबादी बहुत ही छोटी है, ठीक है. तो सिर्फ मैं ताइवान की बात कर रहा हूँ. ताइवान में जो इसका राइट्स है वो एक्वायर किया गया है 1 मिलियन US डॉलर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है. इतना जो है आपको पिछले सीक्रेट सुपरस्टार हो या दंगल का भी नहीं दिया गया था जितना इसको दिया गया है. हालांकि बता दें कि ताइवान में जो है आमिर खान एक फेवरेट एक्टर है. ये मेरे को कल ही न्यूज़ मिल गया था, कल ही इस न्यूज़ को टेलीकास्ट कर देता, बट यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना चैनल पे, तुरंत फेक न्यूज़ लिख देते. लेकिन बता दूं कि US के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट करके इस चीज़ को जानकारी दी है, तो मैंने सोचा आज न्यूज़ दे ही देता हूँ. तो ये है न्यूज़. और दूसरी चीज़ कि भाई देखो, ये जो राइट्स दिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पर रिलीज जो किया जा रहा है उसके लिए छोटा सा एक अमाउंट पे किया गया है. वहाँ पे ये फिल्म चलेगी, जो टिकट बिकेगा उसमें से भी जो इसके मेकर्स हैं ना उनको भी पैसा मिलने वाला है. दोस्तों हाल ही फिलहाल में देखिएगा चाइना से भी ऐसी बहुत बड़ी खबर आने वाली है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देते रहें.